जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। अक्सर आप लोग या आप लोगों में से ज्यादातर लोग अपनी आयु से संबंधी प्रश्न जरूर पूछते हैं कंसल्टेंसी के वक्त। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में अल्पायु योग है या नहीं। ये धनु लग्न की कुंडली एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने मैंने रखी है। आप लोगों ने कुंडली पे कम जो फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान देना है। कुंडली एक प्रतीक मात्र है, आपको अपनी अपनी लग्न के अनुसार इसको समझने की कोशिश करनी है। तो धनु लग्न की कुंडली है, आप देख रहे हैं कुंडली में ग्रह की स्थिति अगर ऐसी बनी हुई है तो अल्पायु योग बन जाता है। कैसे बन जाता है आप ध्यान दीजिए जरा। धनु लग्न की कुंडली है तो धनु लग्न का लॉर्ड जो होता है बृहस्पति होता है। तो इस कुंडली में एग्जाम्पल कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में बैठा हुआ है और जुपिटर मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपने ये ध्यान देना है कि श्रवण नक्षत्र का जो लॉर्ड चंद्रमा है वो कहाँ है और किस भाव का मालिक है। तो धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश होता है और चंद्रमा अष्टमेश होकर बैठा हुआ है द्वादश भाव में। तो आप इसे यूं समझ लें कि लग्नेश जुपिटर बहुत ही बैड कनेक्शन में चला गया है अपने नक्षत्र के द्वारा, और जुपिटर मंगल के सब लॉर्ड में है। यानी जुपिटर का सब लॉर्ड जो है वो मंगल है और मंगल इस धनु लग्न की कुंडली में द्वादशेश है और पंचमेश है। मंगल की प्लेसमेंट इस कुंडली में मैंने जानबूझ के नहीं दिखाई है। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। अब जुपिटर खुद चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा अष्टमेश होकर द्वादश में बैठा हुआ है, तो पहला माइनस पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। अब मंगल सब लॉर्ड है, अब आप समझ लीजिए मंगल भी अगर यहां द्वादश में बैठ जाए भले ही स्वग्रही हो, यहां स्वग्रही मायने नहीं रखेगा, या मंगल यहां अष्टम में नीच का होकर बैठ जाए तो अल्पायु योग बन जाता है क्योंकि आपका लग्नेश बहुत ज्यादा बैड कनेक्टेड हो गया है। एकमात्र पॉजिटिव यहां यही है कि बृहस्पति की प्लेसमेंट बुरे भाव में नहीं है, हालांकि मारक भाव में है, और जुपिटर यहां राहु के साथ संबंध बना रहा है। आप कहेंगे मकर राशि में नीच का भी होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जुपिटर मकर राशि में जब चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो उसका नीच भंग हो चुका होगा क्योंकि जुपिटर 5 डिग्री तक ही नीच का रहता है, उसके बाद वो नीच नहीं रहता। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ राहु के साथ भी बैठा हो ना, जुपिटर को करप्ट कर रहा है, लग्नेश को करप्ट कर रहा है। अब दूसरी दृष्टि भी डालिए, यानी अब लग्न लग्न का नक्षत्र और लग्न का सब लॉर्ड, इस पे ध्यान दीजिए। धनु लग्न में लग्न लॉर्ड चूंकि जुपिटर है तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही दिखेगा आपको, और लग्न जो है केतु के नक्षत्र में है और चंद्रमा सब लॉर्ड है। आप इस चीज को समझिए, लग्नेश जुपिटर का अपना नक्षत्र और सब लॉर्ड अलग है, और एएससी लग्न का यानी भाव का नक्षत्र और सब लॉर्ड अलग है। इन दोनों को गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन ये स्थिति करेला और नीम चढ़ा वाली बनती है। यहां मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी निर्णय पे पहुंचने के पहले, किसी भी चीज को समझने के पहले, आपने कुंडली को किसी भी भाव को कम से कम 2-3 पैरामीटर से गुजारना होता है। अब यहां जो स्थिति बनी हुई है, लग्न का नक्षत्र केतु है, केतु भी अष्टम में बैठा हुआ है, और लग्न का सब लॉर्ड चंद्रमा है, चंद्रमा अष्टमेश होकर यहाँ द्वादश में बैठा हुआ है, तो ये करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति बन गई। लग्नेश और लग्न दोनों ही बैड कनेक्टेड हैं, तो यहां श्योर शॉट अल्पायु का योग बन रहा है। आपको सिखाने के उद्देश्य से, न्यू लर्नर को समझाने के उद्देश्य से मैं यहां एक बात आपको और साफ कर दूं कि जुपिटर की यहां जो स्थिति है, यानी जुपिटर चंद्रमा अष्टमेश के नक्षत्र में, मंगल के सब लॉर्ड में, मंगल द्वादशेश है और मंगल अष्टम में या द्वादश में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे अल्पायु का योग बन रहा है। लेकिन यहां लग्न में, लग्न
लग्न का नक्षत्र और लग्न का सबलॉर्ड की स्थिति अगर अलग होती तो फिर अल्पायु योग नहीं रह जाएगा। मान लीजिए यहां केतु ना होकर यहां नक्षत्र होता शुक्र, लग्न लग्न लॉर्ड यहां जुपिटर तो आएगा ही बैठेगा ही लग्न शुक्र के नक्षत्र में, और सब लॉर्ड यहां चंद्रमा ना होकर सब लॉर्ड यहां सूर्य होता, सूर्य नौमेश होता है और सूर्य की प्लेसमेंट मान लीजिए यहां होती एकादश भाव में, ठीक है ना, एकादश भाव में मान लीजिए सूर्य होता यहां पर, यहां बैठा देता हूं एक मिनट के लिए, ठीक है, सूर्य यहां बैठा हुआ होता, इसका सब लॉर्ड अगर सूर्य होता तो अल्पायु योग नहीं रहता। मैं समझ रहा हूं इस चीज को आप बड़े साफ तरीके से समझ रहे हैं, एक साइड खराब है एक साइड अच्छी है तो वो अल्पायु योग नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर लग्नेश और लग्न दोनों ही बुरे भावों से संबंध बना बैठे हैं, 8-12 का संबंध ज्यादा बन गया है तो फिर अल्पायु का योग बन जाता है। यहां शनि को स्थान मैंने दिया है कुछ सोच समझ के, आपको यह भी देखना है कि अष्टम भाव का कारक शनि, द्वादश भाव का कारक शनि, हालांकि शनि 6, 8, 10, 12 चार भावों का कारक होता है, लेकिन यहां मैं अष्टम और द्वादश का उल्लेख आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि शनि अष्टम और द्वादश का जो कारक होता है यहां छठे में बैठा हो इस स्थिति में, तो ये शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है अष्टमेश चंद्रमा पे, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना रही क्योंकि चंद्रमा शनि की दृष्टि द्वारा करप्ट हो रहा है। चंद्रमा शनि के साथ हो या चंद्रमा शनि के द्वारा दृष्टि ले रहा हो, यानी शनि की दृष्टि चंद्रमा पे हो, तो चंद्रमा करप्ट होता है यानी चंद्रमा खराब हो जाता है। एक स्थिति और हो सकती है, आप अगर थोड़ा और ध्यान दे इस चीज को समझें, तो शनि अगर यहां पंचम भाव में होता तो शनि की 7, 8, 9, 10 दृष्टि जुपिटर पे होती, ये स्थिति भी जुपिटर को करप्ट कर रही है क्योंकि अष्टम भाव के कारक शनि की दृष्टि है। लेकिन ये शनि की दृष्टि आपने तभी देखनी है जब आपको लग्नेश की स्थिति ऐसी मिल जाए और लग्न की स्थिति ऐसी मिल जाए, इसके अलावा आपको शनि की दृष्टि को काउंट में नहीं लेना है। मतलब अल्पायु के योग को समझने के वक्त शनि की दृष्टि को काउंट में नहीं लेना है, यूं तो लेना ही है, लेकिन जब आप अल्पायु का विचार कर रहे हैं तो लग्नेश की स्थिति अगर ऐसी है, लग्न की स्थिति ऐसी है, तो फिर शनि की दृष्टि का भी विचार कर लीजिए, 90% अल्पायु योग बन जाता है। लेकिन आपकी लग्न की स्थिति ऐसी नहीं बन रही है जैसी मैंने बताई है और लग्नेश की स्थिति भी ऐसी नहीं बन रही है, तो फिर अल्पायु योग नहीं है, तो फिर अल्पायु योग नहीं है। अल्पायु योग और भी एक तरीके से बनता है, उस पर भी एक वीडियो मैं बनाकर जल्द ही